यहां पर देखो बोला तो नहीं गया है कि ये एपी में है, आपको चेक करना, यू हैव टू चेक दी गई समांतर श्रेणी एपी में है अथवा नहीं। तो फिर से मैं यहां पर हाइड कर देता हूं कुछ क्वेश्चंस को, एक एक करके देखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब जब भी आपको बोल देना कि चेक करिए, तो अब यहां पर थोड़ा सा टाइम लेकर हर एक टर्म को आप चेक करिएगा घटा घटा करके। पहला वाला को चेक करके बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, नॉट एन एपी, दो में से एक घटाया कितना मिल रहा है, दो में से एक घटाने पर एक, एक दो में से घटाया एक मिल गया, चार में से दो घटाने पर दो दो, दो आगे चेक कर, आगे चेक करेंगे क्या, आगे चेक मत करना, आपको दिख रहा है सर यहाँ पर घटाने पर एक मिल गया, यहाँ पर घटाने पर दो मिल गया, आगे कुछ भी मिले, एक मिले, दो मिले, पांच मिले, बीस मिले, ये एपी में नहीं रहेगा क्योंकि सार्वंतर सेम नहीं रहेगा। तो आप बोलना बागी चेक क्यों करें, अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, हम कहेंगे सर एपी में नहीं है, आगे चेक कर लीजिए, चार और आठ आ रहा है, अंतर नहीं होगा एपी में, यहीं से मुझे पता चल गया। आगे लिखा गया है माइनस का 1.0, माइनस का 1.5, माइनस का 2.0, माइनस का 2.5, इज दिस एन एपी और नॉट, एपी में है या नहीं। यस, एक आंसर आ रहा है यस, बाकी लोग तो चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आप माइनस 1.5 में से, माइनस 1.5 में से आप घटा करके देखिए माइनस 1.0 या माइनस 1 ही लिख सकते हो, माइनस 1.0 को ऐसे घटाओगे। तो डेसिमल का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहां बोलेंगे सर माइनस 1, चलो मैं क्या कर रहा हूँ इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मिलेगा माइनस 1.5 और ये माइनस माइनस प्लस का 1.0, तो यहाँ घटाओ होगा, तो 1.5 में से आप अगर 1.0 को घटाइएगा तो 5 में से 0 घटाओगे 5 मिलेगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 1 में से 0 घटाओगे 0 मिल जाएगा, 0.5 आ रहा है। अब मैं 0.5 लिख दिया, साइन कैसा आएगा इसका, बड़े वाला का, इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, माइनस 1.5 बड़ा ना, 1.5 तो 1.5 बड़ा है, तो उसके आगे माइनस का साइन है, तो कहेंगे सर ये माइनस 0.5 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है ये 0.5 का अंतर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अंतर जो आया, अच्छा माइनस 0.5 का आ रहा है क्योंकि माइनस भी था, ठीक है, माइनस 0.5 आया, ठीक है। उसके बाद आगे भी चेक करना पड़ेगा ना, हमें तो बोला नहीं गया कि एपी में, हमें चेक करना है, तो आगे चेक करिए, तो माइनस 2.0 में से 1.5 को घटा करके चेक करना पड़ेगा। तो आगे करते हैं, तो आप कहोगे सर अगला वाला क्या करेंगे, माइनस 2.0 माइनस माइनस 1.5, ठीक है, कुछ ऐसे ये सब अच्छे से लिखिएगा, आपके एग्जाम में आता है, लाइटली मत लेना, एग्जाम में आ जाएगा। 2.0 ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1.5, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव घटाइएगा, 2.0 में से 1.5 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा, हाँ से लेकर 10 बन जाएगा, 10 में से 5 घटाओगे 5 मिलेगा और यहाँ पर 1 बन गया, ठीक है, तो 1 में से 1 घटाओगे 0 मिल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट नीचे पॉइंट आ जाएगा, तो माइनस 0. अच्छा 0.5 ही लिखो अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए 0.5 लिख रहा हूँ, तो मैंने बोला यहाँ पर 0.5 आ गया। अब 1.5 और 2.0 में 2.0 बड़ा है, ठीक है, तो 2.0 बड़ा है तो इसका साइन लगा दीजिए माइनस 0.5, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो डिफरेंस आ रहा है 0.5 आ रहा है, तो यहाँ तक तो लग रहा है कि हाँ एपी हो सकता है क्योंकि दोनों जगह डिफरेंस सेम आया, अंतर सेम आया। एक बार और चेक करना पड़ेगा हमें, एक बार और कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, इतना कर लिया है तो एक बार और चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका 2.5 में से माइनस 2.5 में से माइनस 2.0 घटाना है, तो कहेंगे सर माइनस 2.5 माइनस माइनस 2.0, ठीक है, ऐसे घटाइए तो आपका मिल जाएगा ये माइनस 2.5 प्लस का 2.0, माइनस माइनस प्लस हो गया ये आपका, इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 2.5 में से 2 घटाइएगा तो 0.5 मिलेगा, ठीक है, और साइन कैसा आएगा, बड़े वाला का, तो माइनस का 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पर आप बोलो सर अगेन जो डिफरेंस आ रहा है 0.5 का ही आ रहा है, चलो इस पर मैं रेड से ही लिख दे रहा हूँ, सेम है, तो कहेंगे सर यहाँ पर भी डिफरेंस आया 0.5 का ही आया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस सेम है, 0. माइनस 0.5 आ रहा है, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है माइनस 0.5 आ रहा है, जो कि फिक्स है, जो कि सेम है, तो कहेंगे सर ये एपी में है, ये एपी में, यस दिस सीरीज इज इन एपी, समझ में आया, ये सभी पदों के बीच का अंतर सेम था, किसी भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर सेम था।
अगला वाला चेक करिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। माइनस 10, माइनस 12, माइनस 7, माइनस 2, 3, 8। एपी में है क्या? अगर बोलता ना कि एपी में है फिर तो मैं कहीं एक जगह निकाल कर आंसर कर देता, लेकिन यहाँ पर आपको बोला नहीं गया है, आपको चेक करने के लिए बोला गया। नीचे वाले चीज को मैं मिटा दूं, इसको बताओ, इसको मिटा दूं? यस सर। नहीं, एपी में है या नहीं? चलो इसको मिटा देता हूँ, ये तो बस बेसिक सा सब्ट्रैक्शन है आपका। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करना है, अंतर लीजिए, तो सारे पदों का अंतर लीजिए, माइनस 12 में से माइनस 17 घटाइए, तो माइनस 12 ऐसे लिखोगे, माइनस 12 माइनस माइनस 17 कितना आ रहा है, माइनस 12 प्लस 17 कितना आ रहा है, 17 में से 12 घटाने पर 5 मिलेगा सर, और बड़े वाले का साइन लगेगा, प्लस का 5 मिलेगा, तो यहाँ पर तो अंतर मुझे 5 दिख रहा है। उसके बाद अगला, माइनस 7 में से माइनस 12 घटा कर, माइनस 7 माइनस माइनस 12 ये कितना आ रहा है, माइनस 7 प्लस 12 ये कितना आ रहा है बताओ, 5 ही आ रहा है ना, 12 में से 7 घटाओगे 5 मिलेगा, साइन बड़े वाला का आएगा, तो यहाँ पर भी 5 आ गया, ठीक है। माइनस 2 माइनस 7 अगला, माइनस 2 में से घटाना है माइनस का 7, तो ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस 7, ठीक है, माइनस 2 प्लस 7, ठीक है, प्लस का 7, तो अगेन आपको दिख रहा है सर 7 में से 2 घटाएगा 5 मिलेगा, साइन बड़े वाला का लगेगा, तो प्लस का 5, अगेन यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है प्लस का 5 का आ रहा है। 3 माइनस 2, 3 में से माइनस 2 घटा, देखो 3 में से 2 नहीं घटाना, 3 में से, एपी में होगा ये बिल्कुल होगा, 3 में से माइनस 2 घटाना है, तो 3 माइनस माइनस 2 ये क्या मिल रहा है, 3 प्लस 2 आ रहा है ना, ये 3 में से माइनस 2 घटाना है, 3 में से 2 नहीं घटाना, 3 माइनस माइनस 2, तो कहेंगे 3 प्लस 2 आ गया, और यहाँ से ये 5 आ गया, ठीक है, तो कहेंगे अभी भी यहाँ भी 5 ही दिख रहा है, और लास्ट वाला तो बहुत आसान था, 8 में से आप अगर 3 घटाओगे तो 8 में से 3 घटा करके तो 5 दिख ही रहा है, क्योंकि आपको दिखा कि सभी का जो अंतर था लगातार पदों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, सेम दिख रहा है 5, ठीक है, तो आपको सर भले या देखने में, मुझे भी देखने में लग रहा था कि एपी में नहीं है, ठीक है, ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था कि एपी में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस 5 दिख रहा है, इसलिए यस ये एपी में होगा, ठीक है, एपी में, समझ में आया, ये एपी में था, तो जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा, जो देखने में लगता है वो आंसर नहीं होता, देखो मैं भी धोखा खा जाता हूँ, ठीक है, तो आप कहोगे सर देखने में जो लगता है वो मत करिएगा, सॉल्व करके करेंगे सेफ्टी के लिए। चलो इसके बाद अगला वाला एपी मुझे करके बताइए, अगला सीरीज एपी में है या नहीं है चेक करके बताओ, बताओ ये एपी में है, 2 में से 5 घटा करके देखो, तीन माइनस माइनस 2 5 हो गया ना, देखो यहाँ पर 3 में से अगर मैं माइनस 2 घटा रहा हूँ तो 3 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, इसमें कोई डाउट है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 ही मिल रहा है डिफरेंस, ठीक है, चलो यहाँ पर बताओ लास्ट वाला में क्या होगा, एपी है कि नहीं है, नहीं है, 2 में से 5 घटा करके चेक करते हैं, 2 में से 5 घटाया, सेकंड में से पहला पद घटाया सर कितना आ रहा है बताइए, माइनस का 3 आ रहा है, क्योंकि बड़ा वाला का साइन लगेगा, 5 में से 2 तो घटा दिया लेकिन साइन तो बड़ा वाला का आएगा, तो माइनस का 3 दिख रहा है यहाँ पर डिफरेंस, माइनस का 3, माइनस 1 में से माइनस 2 घटाया बताओ सर, माइनस 3 ही आएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस 1 में से 2 घटाना है, ये माइनस 1 है, दूसरा ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म माइनस 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तो माइनस 1 में से 2 घटा रहे हैं, तो माइनस 1 माइनस 2 दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 1 3 ऐड होके आ रहा गया, और चिन्ह बड़े वाला का लगेगा, तो 2 का साइन माइनस है, तो कहेंगे सर यहाँ माइनस 3 आ रहा है, तो यहाँ भी जो अंतर है वो माइनस का 3 ही आ रहा है, ठीक है, और लास्ट वाले को चेक किया तो लास्ट वाले में क्या दिख रहा है, माइनस 3 में से आपको माइनस का 1 घटाना है, ठीक है, तो माइनस 3 में से माइनस 1 घटाएंगे, तो माइनस 3 प्लस का 1, तो ये कितना मिल रहा है, माइनस 2, तो यहाँ कहेंगे 3 में से 1 घटाओगे तो सर 2 मिलेगा, और साइन बड़े वाला का आएगा माइनस का 2, तो ये तो माइनस 2 मिल गया, ये तो गलत बात हो गया, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि माइनस 3 अंतर आया था, यहाँ भी माइनस 3 अंतर आया था, लेकिन यहाँ पर अंतर माइनस का 2 आ गया, जो कि अलग है, तो यहाँ पर डी सेम नहीं है,
डिफरेंस सेम नहीं है तो कहेंगे सर ये एपी में हमारा नहीं होगा, नॉट एन एपी। समझ में आया? ये क्लियर है? अच्छा आपका माइक ऑन है, खुशी राम के नाम से बच्चों आप अपना माइक ऑन कर लो, ठीक है? चलो बताओ इतना क्लियर, तो वाई लिख के बताइए फिर आगे अगले टाइप पर जाएंगे। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर हो गए। आगे जो है आपका, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लो, अब मुझे बताओ कि यहां पर आप चेक करोगे क्या कि एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, चेक करने की कोई नीड नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट, ये दिया गया है, दी गई समांतर श्रेणी। अगर नहीं रहता, अगर नहीं पता होता क्वेश्चन पूछने वाले को, तो बोलता कि आप चेक कर लीजिए, यहाँ तो दिया गया है ना, जब दिया गया है तो फिर क्या ही चेक करूं। तो दिया गया है कि समांतर श्रेणी है, मतलब सार्वंतर सेम होगा, ये बोल दिया है आपको, बस आप मुझे पहला पद बता दीजिए और सार्वंतर बता दीजिए। पहला पद तो जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप सभी को बहुत आसान लगेगा, पहला पद तो देख के पता चल जाएगा, तीन बटा दो। और लिखने का तरीका क्या होगा, पहला पद को पी से लिखते हैं क्या, पी बराबर तीन बटा दो, ए से लिखते हैं, ए से लिखते हैं, तो कहेंगे सर पहला पद को पी मत लिख देना, ए लिखना, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री बाय टू आ जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक नंबर का ही आता है लेकिन आता है, तीन बटा दो आ गया। सार्वंतर निकालने के लिए मैं नेगेटिव के मैं नेगेटिव के जगह में जाऊंगा ही नहीं, ठीक है, नेगेटिव में जाऊंगा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम क्या होगा, घटाने के लिए घटा लेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, माइनस वन आ रहा है क्या, इसमें से इसको घटा कर देंगे, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए, डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे सर, एक बटा दो में से तीन बटा दो घटा करके देख लीजिए, तो एक बटा दो में से तीन बटा दो घटाओगे, रूल आपको पता है सर, यहाँ भी दो है और यहाँ भी नीचे में दो है, तो हर सेम है अगर, तो ये तो बहुत आसान वाला हो गया, हर सेम एक बार दो लिख दीजिएगा, ऊपर अंशों को घटाइएगा, एक में से तीन घटाइएगा, तो वन माइनस थ्री करेंगे, तो वन माइनस थ्री करोगे माइनस टू आएगा, माइनस टू बाई टू आएगा, और यहाँ से आएगा आपका माइनस का वन, टू से टू काटोगे माइनस का वन आएगा। तो यहाँ पर हम बाकी जगह पर चेक भी नहीं करने जाएंगे कि यहाँ से घटा करके आ रहा है, यहाँ से घटा करके आ रहा है, क्योंकि आपको दिया गया था, हम सीधे बोलेंगे डी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का वन आएगा, दिस इज माई आंसर, क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करने जाए, ठीक है। तो कहेंगे सर डी का वैल्यू माइनस वन आया, हालांकि चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो, सभी का डिफरेंस माइनस वन ही आएगा, ठीक है, क्लियर है इतना, बताओ। अब मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन पोल में क्वेश्चन पूछने के पहले मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, और यहां पर आपको चेक करना होगा कि एपी में है या नहीं है, चेक एपी है या नहीं है, यस या नो, जो आपको लगेगा वो मत बोलिएगा, सॉल्व करके बोलिएगा। मैंने लिखा कुछ सीरीज, कुछ नंबर्स लिख दिया 2.3, यहां लिख दिया 3, यहां लिख दिया मैंने 3.7, उसके बाद लिख दिया 4.4, बस इतना ही लिख रहा हूं, चेक करके बताइए एपी में है भी या नहीं। एपी में है या नहीं, यस, तो आंसर आने लगे हैं, यस एपी में है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करिएगा, बस सब्ट्रैक्शन करना है, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए। अगर आप लोग बोल रहे हो अगर एपी में है तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर एपी में तो डी सेम आया होगा, कितना आ रहा है, 0.7, 0.7, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, हम लोग कर लेते हैं, डी का वैल्यू कितना होगा, तीन में से 2.3 घटाना है, तो तीन में से अगर मैं 2.3 घटाऊं तो कैसे घटाएंगे सर, 3.0 लिख देंगे और 2.3 लिख देंगे, पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 3 घटाओगे 7 मिलेगा, यहाँ 2 हो गया, 2 में से 2 बन गया होगा, यहाँ पर 10 बन गया होगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 आ जाएगा, पॉइंट नीचे पॉइंट आ जाएगा, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.7 आ रहा है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस आया 0.7 का। 3.7 में से 3 घटाएंगे तो बहुत आसान आ गया, 3.7 में से 3.0 3 को क्या लिख सकते हो आप, 3.0 लिख सकते हो, तो 3.7 में से 3 घटाओगे तो आपको 7 आ गया, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, 0.7, ये तो आसान, 0.7 आ गया, इसको घटा करके चेक कर लिया, 44 में से 3.7 कह दिया, 4.4 में से 3.7 घटाइए, 4.4 में से 3.7 घटाओगे, माइनस करके देखोगे, तो ये बन जाएगा आपका 14,
और ये बन जाएगा आपका 3, 14 में से 7 घटाओगे 7 मिलेगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 मिलेगा, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाया, फिर 0.7 ही आ रहा है। देखिए यहाँ भी 0.7 आया, यहाँ भी 0.7 आया, 0.7 आया, मतलब 0.7 जोड़ जोड़ कर मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो कहेंगे सर ये बिल्कुल एपी में होगा, यस क्लियर। अभी सभी yes, कुछ क्लियर है तो यस लिख के बताइए। और बिल्कुल अब मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको एपी दिया रहे, हो सकता है आपको चेक करने के लिए बोला जाए, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। पहला बोला गया इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है, अच्छा चेक करना है इनमें से कौन सा एपी है। चार ऑप्शन है, डेफिनेटली इसमें से तीन ऑप्शन ऐसा होगा जो एपी नहीं होगा, ठीक है। अटेंडेंस क्यों कम है आज, काफी कम अटेंडेंस में दिख रहा मुझे, काफी कम बच्चे हो आज, जबकि मैंने तो बोला था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले। तो पोल ऑन कर दो, पोल बिल्कुल ऑन है, पोल नहीं दिख रहा क्या, अभी ऑन होगा, आ गया ना, ठीक है। इनमें से कौन सा एपी है, चारों ऑप्शन को देखिए और एक दो टर्म के बीच का अंतर नहीं, जहां पहले आप रिजेक्ट करते जाओ, है ना, जो लग रहा है कि एपी नहीं होगा उसको तो हटाइए, दो ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो रहा है, दो ऑप्शन तो साफ लग रहा है कुछ भी लिख दिया गया है ना, दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी जो दो ऑप्शन बच रहे हैं ना उसमें आप हर एक टर्म के बीच का अंतर देख लीजिए। तीन आंसर आए और तीनों सही है अभी तक, ठीक। अभी क्लास में 18 बच्चे हैं, मैं वेट कर रहा हूं। ए बी सी या डी, ठीक है, पांच आंसर आए हैं, पांचों में पांच सही, ठीक है। तो हर एक टर्म के बीच का अंतर निकालने के बाद ही मुझे दिखेगा कि वो एपी में है या नहीं है। सात आंसर आ चुका है, मुझे 18 आंसर चाहिए, मतलब जितने क्लास में हो सभी का आंसर आना चाहिए। आठ आंसर आ गया, हाँ जिसका आंसर आ गया वो आप हैंडल्स कर सकते हो, हैंडल्स कर लीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए कितने बच्चों का हो गया, ठीक है, ओके। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड और रुक रहा हूँ, 30 सेकंड्स और, जल्दबाजी मत करिएगा, अगर टाइम चाहिए तो बता देना, टाइम तो बढ़ा दूंगा लेकिन जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा, ऐसे इस क्वेश्चन को 30 सेकंड काफी है करने के लिए, एग्जाम में हमें टाइम का भी ध्यान देना होता है। ट्वेंटी फाइव सेकंड, 25 सेकंड और, 12 आंसर आ चुका है, 12 में 10 सही 2 गलत, ट्वेंटी सेकंड्स, हाँ जी बैठे मत रहो कोई बच्चा, जाकर आंसर कीजिए, लास्ट 20 सेकंड और है, अब आप सॉल्व कर चुके हो, ज्यादा टाइम नहीं है, जाकर आंसर करो। तीन बच्चे और हो, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, अभी भी तीन बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो तो यहाँ पर 16 बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चे का आंसर नहीं आया, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और एक सेकंड, चैट आपका ऑन है, चैट आपका ऑन कर दे रहा हूँ, चैट में आंसर लिखने की कोई नीड है नहीं, अगर पोल में नहीं कर पाओगे किसी रीजन से तो चैट में लिखेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर अगर मुझे चेक करने के लिए बोला जाए कौन सा इसमें से एपी में है, तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म का अंतर देखेंगे। पहला वाला आपको लग रहा है क्या कि एपी हो सकता है, एपी में सर, एपी इंडिया में कैसे आए, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, एपी इंडिया में कैसे आया, पहले एपी सीख लो, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे सर, 13 के बाद क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, 4 में से 13 घटाने पर कितना मिलेगा बताइए, 4 में से 13 घटाएंगे माइनस का 9 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस का 45 में से 4 घटाएंगे क्या मिलेगा, 41 मिलेगा ना, 40 कैसे मिलेगा, 41 मिलेगा, तो 41 मिल रहा है, तो आपको सर ये माइनस 9 और 41 देख के मुझे समझ में आ गया, ऐसे देख के ही पता चल रहा था कुछ कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है,
तो कहेंगे सर ये तो ए पी बिल्कुल नहीं था, किसी का आंसर भी नहीं था आप में से। ऑप्शन सी भी किसी का आंसर नहीं था, आपको दिख रहा है सर 5 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 1 हो रहा है, 1 के बाद 100 हो जा रहा है, 100 के बाद 8 हो रहा है, कुछ भी ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कहेंगे सर ये हमारा एपी तो साफ नहीं दिख रहा, अंतर सेम नहीं है। उसके बाद हम अगर देखें ऑप्शन नंबर डी कुछ बच्चों का आंसर था, ऑप्शन डी को ही चेक कर लेते हैं, मुझे भी मान लो अगर मुझे लग रहा है कि आंसर डी सही है, ठीक है, तो मैं डी आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ 3 में से 5 घटाकर, 3 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा बताओ, माइनस का 2 मिलेगा, 3 में से 5 घटाएंगे माइनस का 2 मिलेगा, 1 में से 3 घटाएंगे सर छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो -2 मिलेगा, बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ जो हम सोच रहे थे आंसर सही होने वाला है। -2 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, -3, माइनस का 3 मिल गया। यहाँ पर बोलोगे सर -2 -1 करने पर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो जा रहे हैं, दोनों नेगेटिव होने का मतलब दोनों नंबर ऐड हो जाएगा और साइन बड़े वाला का आएगा, तो यहाँ पर -3 आ गया। आगे जाने के कोई नीड नहीं है, यहीं पर हमें समझ में आ गया -2 -2 -3 अंतर सेम नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, ये एपी हमारा नहीं है। जब ए नहीं था, सी नहीं था, डी नहीं था, किसी एक को तो आंसर बनना है ना, तो बी बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर हमारा बी आएगा, ठीक है। कैसे आएगा उसको भी चेक कर लेते हैं कि बी क्यों है, ऐसा क्वेश्चन किया था अभी। आप 1.5 में से 1 घटाइएगा, 1.5 में से अगर आप 1 घटाओगे तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, 1.5 में से 1.0 लिखकर घटाओगे, 5.1 में से 1 घटा 0 आ गया, तो D का वैल्यू यहाँ पर, अच्छा D अभी मत लिखना, अभी तो बस 0.5 लिख दो, कि अंतर जो आ रहा है सर यहाँ पर 0.5 का आ रहा है, क्योंकि D तो तब लिखेंगे ना जब सेम आएगा, तो यहाँ पर आप बोल सर 0.5 आ रहा है अंतर। अब 1.5 में से अगर 2 में से 1.5 घटाया, 2 में से आप अगर 1.5 को घटाओगे तो आपको पता है 2.0 लिखना पड़ेगा, 1.5 लिखना पड़ेगा, घटाओगे ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 1, 10 में से 5 घटाओगे 5.1, तो 1 अच्छा 0, 1 में से 1 घटाया तो 0 आ गया ना, तो 0.5 आ रहा है। तो कहेंगे सर यहाँ भी तो 0.5 ही आ रहा है, 2.5 में से 2 घटाना तो आसान है, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो 0.5 ही आएगा, 0.5 ही आएगा, और 3 में से 2.5 घटाएंगे तो 3.0 लिखकर 2.5 दे दीजिएगा। तो यहाँ बोलोगे सर ये बन जाएगा हमारा 10, हाँ से लेकर ये 2, 10 में से 5 घटाओगे 5 मिलेगा, पॉइंट नीचे पॉइंट आ जाएगा और 2 में से 2 घटा करके 0 आ जाएगा, अगेन यहाँ पर 0.5 ही आ रहा है। मतलब हर एक पद के बीच का अंतर कितना आया, 0.5 आया, हर एक पद के बीच का अंतर का 0.5 है, तो हम अब लिख सकते हैं कि सर अब जो आपका आया ना, तो यहाँ पर बोल दीजिए कि डी का वैल्यू कितना आया, 0.5 आया, ठीक है। तो डी का वैल्यू 0.5 है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है बताओ, तो आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है ना, मोस्टली सभी का आंसर सही था। एक क्वेश्चन और करें, चलो आसान क्वेश्चन है अगला भी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वैसे इसमें 4 क्वेश्चन थे लेकिन 2 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, ठीक है, आसान है। अगर आपको ये लगता है कि आपके एग्जाम में ये नहीं आता है तो ये गलत हो आप, ये भी जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ है, और एग्जाम जब मैं कह रहा हूँ तो आपके बोर्ड एग्जाम की बात की जा रही है, हालांकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, एक श्रेणी दिखा गया है 3, 8, 13, बाकी डॉट डॉट करके बोला जा रहा है कि यहाँ पर पहला पद का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू क्या है और सार्वंतर का वैल्यू बताइए क्या है, बस ऑप्शन को ध्यान से देख लेना, पहले तो ए देखिए क्या है और फिर डी देखिए, कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए बताओ, 5 सेकंड काफी है, 8 आंसर आए हैं, 8 में 8 सही, ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या ही समय लगेगा आपको, ठीक है। पहला पद तो दिख ही रहा है, सार्वंतर भी दिख ही रहा है, दूसरा में से पहला पद घटा दीजिए, ठीक है, या तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा, आंसर कीजिए, अभी भी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, लास्ट 15 सेकंड स्किप मत करिए, आंसर करो, 10 आंसर आया है, 10 में 10 सही, और इसमें तो आंसर किसी का गलत होना भी नहीं चाहिए, लास्ट 10 सेकंड है आपके पास, ओनली 10 सेकंड, बस पोल को मैं एंड करने वाला हूँ, जाकर आंसर कीजिए। अभी भी 6-7 बच्चे हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, पोल नहीं आ रहा वगैरह कुछ बताइए, अभी भी नहीं आ रहा आंसर, 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5, 4, 3,
टू वन, कितने बच्चों ने आंसर कर दिया हैंड करके बताओगे? सिर्फ 11 आंसर दिख रहे हैं मुझे, बाकी बच्चों का आंसर क्यों नहीं आया इस बार? 12 आंसर आया अभी तक, ये कुछ कठिन है क्या? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो मैं पोल को भी एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऐसे इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एपी क्या लिखा गया है, समांतर श्रेणी क्या दिया गया है? बोला गया है समांतर श्रेणी में है 3, 8, 13 और आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर पहला पद क्या है, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म जो पहला नंबर लिखा गया है, तो ए का वैल्यू तो 3 आ जाएगा। ए का वैल्यू जैसे ही 3 आया, मुझे दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल नहीं है, ए का वैल्यू 13 और 5 तो होगा नहीं। अब डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू कितना आएगा, 7 तक। तो दूसरे वाले में से पहला पद को घटा दीजिए, 8 में से 3 घटा दीजिए, आपका आंसर 5 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाने पर डी। तो ए का वैल्यू डी 3 और डी का वैल्यू 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्लियर। 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन और था इस पे, लेकिन अगले क्लास में करके, अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एनथ टर्म के बारे में देखेंगे, जनरल फॉर्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए मिस मत करिएगा, फाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी क्या होता है, ये सारी चीज देखेंगे। चलिए अभी बताइए कोई डाउट है तो।